हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल हेडवे ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम चर्चा करेंगे व्हाट के डिफरेंट यूजेस के बारे में। व्हाट बेसिकली WH फैमिली का ही एक मेंबर है जिसका यूज़ आप बचपन से ही करते आ रहे होंगे। WH वर्ड का सबसे पॉपुलर जो फैमिली मेंबर है वो व्हाट ही है, और व्हाट का मीनिंग आप बिल्कुल अच्छी तरह से जानते होंगे। आज हम व्हाट के अलग अलग मीनिंग का और अलग अलग रूपों के बारे में एनालिसिस करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कितना क्या कौन सा जो किस लिए किस प्रकार का एक्सेट्रा जो वहाँ पर यूजेस आपको मीनिंग उसका जो आपको दिख रहा है, ये व्हाट के अलग अलग रूप के अनुसार उसका मीनिंग अलग अलग होता है। कहीं कहीं पर व्हाट का यूज़ कंजंक्शन के रूप में, कहीं कहीं पर WH वर्ड के रूप में, कहीं कहीं पर WH फ्रेज के रूप में उसका यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग उसका मीनिंग हो जाता है। तो चलिए आज का वीडियो में हम देखते हैं व्हाट के अलग अलग जगहों पर अलग अलग यूज़। उससे पहले यदि आपने हमारे इस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है WH फैमिली वर्ड्स के बारे में, जिसमें आपको WH वर्ड्स का पूरा नॉलेजमेंट मिल जाएगा। यदि आपने हमारे इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, इससे आपका नॉलेजमेंट बढ़ेगा और WH वर्ड के बारे में आप काफ़ी कुछ जान पाएंगे। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए व्हाट का यहाँ पर मीनिंग है कौन सा, आप कौन सा मोबाइल खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए व्हाट मोबाइल डू यू वांट टू बाय, आप कौन सा मोबाइल खरीदना चाहते हैं। ठीक है, सेकंड देखिए तुम कौन सा काम करते हो, व्हाट वर्क डू यू डू। थर्ड एग्जांपल देखिए आज कौन सी सब्जी पकाओगी, यहाँ पर देखिए व्हाट वेजिटेबल विल यू कुक टुडे। और उसके बाद देखिए आज कौन सा दिन है, What is the day today? ये जितने भी एग्जाम्पल आपने देखा इस सब में what का मीनिंग क्या ना होकर कौन सा है, आपको इसको समझना है। ठीक है, इसका यूज़ कौन सा के लिए भी किया जाता है। चलिए what का एक और यूज़ देखते हैं। यहाँ पर what का मीनिंग है कितना। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं, वेतन कितना है, what is the salary। ठीक है, उसके बाद देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो आप क्वेश्चन करने के लिए कितना के सेंस में आप व्हाट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रशांत महासागर की गहराई कितनी है, व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ पैसिफिक ओशन। अगला इसका मीनिंग देखते हैं, कंजंक्शन के रूप में व्हाट का जो मीनिंग होता है वो होता है जो। इसका कुछ एग्जांपल देखिए, जो तुम चाहते हो खा सकते हो। ठीक है, कंजंक्शन दो जो सेंटेंस होता है उनको जोड़ने का काम करता है, तो उसका समझ लीजिए। देखिए यू मे ईट व्हाट यू वांट, जो तुम चाहते हो खा सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जो आपको पसंद हो वो आप चुन सकते हैं, यू मे चूज व्हाट यू लाइक। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा क्योंकि एक कंजंक्शन के रूप में यूज हो रहा है, और जब कंजंक्शन के रूप में यूज होता है तो सेंटेंस जो होता है वो अफर्मेटिव रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंजंक्शन ग्रुप में व्हाट का जो मीनिंग होता है वो जो होता है। नेक्स्ट यूज इसका देखते हैं, व्हाट एवर, ये होता है WH फ्रेज है, ये सिर्फ व्हाट नहीं इसके साथ कुछ और वर्ड्स जुड़े होंगे तो इसका मीनिंग बदल जाता है। व्हाट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल देखिए, मैं जो भी करता हूँ तुम्हें पसंद नहीं आता है, व्हाट एवर आई डू यू डोंट लाइक। ठीक है, व्हाट एवर का मतलब जो भी करता हूँ तुम्हें पसंद नहीं आता है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, वह जो भी चाहता है उसे दे दो, व्हाट एवर ही वॉन्ट्स गिव हिम। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, वह जो भी पकाती है स्वादिष्ट होता है, व्हाट एवर सी कुक्स इट्स वेरी टेस्टी। ठीक है, अब देखिए व्हाट का कुछ और एग्जाम्पल, ये है व्हाट इफ। इसका यूज़ काफ़ी होता है लेकिन इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होता है। इसका मीनिंग देखिए, क्या हो अगर या अगर तो। व्हाट इफ का यूज सिर्फ प्रेजेंट इनडेफिनिट और पास्ट इनडेफिनिट के सेंटेंस में किया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं गया तो। ठीक है, व्हाट इफ आई डोंट गो विथ यू। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, अगर वह आज स्कूल नहीं आई तो, What if she doesn't come to school?
उसके बाद देखिए क्या होता अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करता, मतलब यहाँ पर मदद कर चुका है फिर भी कि प्रेडिक्शन लगा रहा है कि क्या होता यदि मैं तुम्हारी मदद नहीं करता, तो इसलिए यहाँ पर डिडंट का यूज़ हुआ है। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, बाकी दो ऊपर के जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस हैं, तो इसका यूज़ आप बिल्कुल करिए, ठीक है। काफ़ी बेहतरीन एक WH फ्रेज है जिसका यूज स्पोकन में काफ़ी किया जाता है। नेक्स्ट देखिए व्हाट अबाउट, किस बारे में, देखिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं इसको। यह कार्यक्रम किस बारे में है, व्हाट इज़ द प्रोग्राम अबाउट। यहाँ पर अबाउट को लास्ट में लगाना है सेंटेंस के, और बीच में आपको सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स को रखने हैं। उसके बाद देखिए यह मीटिंग किस बारे में है, व्हाट इज़ द मीटिंग अबाउट। और अगला देखिए यह योजना किस बारे में है, व्हाट इज़ द प्लानिंग अबाउट, ठीक है। तो पहले ही बता चुका हूँ अबाउट को आपको लास्ट में रखना है। लास्ट एग्जांपल देख लीजिए, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ठीक है। आप इसका यूज करने का कोशिश करिएगा। नेक्स्ट देखिए व्हाट फॉर, इसमें भी फॉर को आपको लास्ट में लगाने हैं, किस लिए या किस उद्देश्य से इसका जो मीनिंग होता है। देखिए तुम किस लिए आते हो, व्हाट डू यू कम फॉर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, यह कार किस लिए है, व्हाट इज द कार फॉर। चलिए अगला देखिए, यह किताब किस लिए है, व्हाट इज़ द बुक फॉर। सभी सेंटेंस में देखिए व्हाट पहले लगा है और फॉर जो है वह सेंटेंस के अंत में लगा है। चलिए व्हाट का कुछ और यूज़ देखते हैं, व्हाट टाइम। व्हाट टाइम का मतलब होता है किस समय, ठीक है। इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आप किस समय आते हैं, व्हाट टाइम डू यू कम, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, कक्षा किस समय शुरू होती है, व्हाट टाइम डस द क्लास स्टार्ट। अगला देखिए, आप किस समय गए, व्हाट टाइम डिड यू गो। ये पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है, आप किस समय गए। चलिए व्हाट का कुछ और यूज़ देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का या किस तरह का, दोनों का मतलब सेम है, आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल देखिए, आप किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस डू यू लाइक टू वियर, ठीक है। वियर का मतलब होता है पहनना। अगला देखिए, आप किस प्रकार के लोगों से मिलना पसंद करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक टू मीट, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, आप किस प्रकार का मोबाइल खरीदना चाहते हैं। यदि आप दुकान में जाते हैं तो आप बोलते हैं शॉपकीपर से कि मुझे मोबाइल दिखाइए, तो वो आपको पूछ सकता है, व्हाट टाइप ऑफ मोबाइल डू यू वॉन्ट टू बाय, आप किस तरह का मोबाइल खरीदना चाहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, व्हाट लाइक, यहाँ पर देखिए डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि लाइक जो है वो सेंटेंस के लास्ट में लगेगा, इसका मीनिंग होता है कैसा। चलिए एग्जांपल देखते हैं, देखिए यहाँ पर एग्जांपल है, आपका नया कार कैसा है, व्हाट इज योर न्यू कार लाइक। यहाँ पर देखिए लाइक लास्ट में लगा हुआ है। अगला एग्जांपल देखते हैं, वह कैसा है, व्हाट इज ही लाइक। किसी का हाल चाल पूछ रहे हैं तो इसका भी ऐसा भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसका बेटा कैसा दिखता है, व्हाट डज हिज सन लुक लाइक, ठीक है। तो इसका यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का कोई भी तकलीफ होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। अगला यूज़ देखिए, व्हाट एल्स, और क्या, या बोल सकते हैं क्या क्या, ठीक है। इसके एग्जांपल से समझते हैं, हम और क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट एल्स कैन वी डू, कैन का मतलब होता है सकना, तो यहाँ पर देखिए व्हाट एल्स कैन वी डू, हम और क्या कर सकते हैं, या हम और क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, हम और क्या पका सकते हैं, व्हाट एल्स कैन वी कुक। उसके बाद देखिए, मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ, व्हाट एल्स कैन आई डू फॉर यू, ठीक है। अगला देखिए, व्हाट्स व्हाट, ये काफ़ी रेयर यूज होता है लेकिन इसका मीनिंग आपको जानना जरूरी है। व्हाट्स व्हाट का मीनिंग होता है वस्तु स्थिति। कुछ एग्जांपल से समझते हैं, उसने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा विभाग में काम किया है इसीलिए उसे वस्तु स्थिति का ज्ञान है। ही इज वर्कड इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑल हिज लाइफ सो ही नोस व्हाट्स व्हाट, ठीक है। सेंटेंस को अच्छे से समझिए, He worked in the education department all his life, so he know what's want. Next example देखिए, वे गांव में रहते हैं इसीलिए उन्हें शहर के बारे में पता नहीं है। They live in village, so they don't know what's want of
सिटी। यहाँ पर देखिए विलेज के सामने इन लगा हुआ है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि इसके सामने एट लगेगा। आप एक बात याद रखिए, विलेज सिटी इन सब के सामने इन ही लगता है। पर्टिकुलर यदि मैं किसी विलेज का नाम लेता तो वहाँ पर मैं एट लगाता, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ विलेज बोला है, तो विलेज के सामने आप हमेशा ही इन लगाओगे। ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, तो व्हाट के डिफरेंट यूजेस के बारे में उनको भी जानकारी हो जाए और अपने इंग्लिश को आप बूस्ट करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।